हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है ठीक से कि मैंने कल डीमार्ट के फंडामेंटल्स के बारे में वीडियो बनाया था, सो आप इधर देख सकते हैं। सो खाली मैंने इधर बनाया था कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के अपडेट आ चुके हैं। रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हुए, लेकिन रिजल्ट कैसे आने वाला है करके इन्होंने पब्लिश किया है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना के दिखाया है। और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के स्टॉक के बारे में। आज का स्टॉक है हमारा नेस्ले इंडिया। ये स्टॉक अभी बहुत ही चर्चे में है क्योंकि मैनेजमेंट में कॉरपोरेट एक्शन भी अनाउंस किया है, तो इसलिए इस कंपनी का फंडामेंटल्स देखते हैं और कैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी है करके देखेंगे। ये एक्चुअली इंडियन कंपनी नहीं है, एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। उसका हेडक्वार्टर भी वहीं है, उसका मेन हेडक्वार्टर वहीं है। इंडिया का हेडक्वार्टर आपको गुड़गांव में मिलेगा। ये इंडिया में अराउंड 64 ईयर्स से बिजनेस कर रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका मैनेजमेंट बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है और बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट भी है। यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर BSE और NSE में ट्रेड करता है, और आपको ग्लोबल में भी ये कंपनी मिलेगी, आपके स्विट्ज़रलैंड या उधर दूसरे लंदन स्टॉक में उधर सब आपको ये कंपनी लिस्टेड मिलेगी। लेकिन इंडिया का ये जो नेस्ले इंडिया स्टॉक है वो आपको सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही मिलेगा। अगर आपको बाहर का फॉरेन का स्टॉक देखना है तो आपको सिर्फ नेस्ले करके डालना पड़ता है। सो आप इधर देख सकते हैं इसके इसमें इसका प्रोडक्ट्स वगैरह लिखे हैं, नेस्ले, नेस्कैफे, मिल्कमेड, सेरेलैक, किटकैट, नेस्टी, पोलो, ऐसे बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं। सभी लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो इसके वेबसाइट में हम देखेंगे इसके ब्रांड्स वगैरह कौन से ब्रांड्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेस्टी है, नेस्कैफे है, आप देख सकते हैं केलॉग्स है, और मंच है, किटकैट, मिल्की बार, नेस्कैफे अगेन, मैगी जो इसका सबसे दमदार प्रोडक्ट है। इसी के ऊपर इसका एक एलिगेशन भी था पीछे कि मैगी सेफ़ नहीं है हेल्थ के लिए, ऐसा सब एलिगेशन आया था। लेकिन उन सब एलिगेशन के बावजूद कंपनी ने फिर से तब कंपनी का स्टॉक प्राइस में बहुत गिरावट भी हुई थी और कंपनी ने वो सब हैंडल करके कमबैक किया है। और ये आप देख सकते हैं बेबी फूड भी है, सो ऐसे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं बेबी फूड में तो, या बेबी जो बेबी का जो मिल्क बनाते हैं ना उसके प्रोडक्ट्स में तो मार्केट लीडर है ज़्यादा सर, अराउंड से अबाउ 60% मार्केट शेयर इन्हीं के पास ही है। सो ऐसे दमदार एक ज़बरदस्त कंपनी है जो प्रोडक्ट्स इसके अच्छे खासे बिकते भी है। उसके बाद हम इसके प्राइस देखेंगे। ये प्राइस देख कर ही रिटेल इन्वेस्टर लोग भाग जाते हैं, बोलते 22,000 का स्टॉक कौन खरीदे, एक स्टॉक ही मिलेगा। बात एक स्टॉक की नहीं है दोस्तों, ये आपकी बात है आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू। आप अगर 10 शेयर HUL के लेंगे और इसका एक शेयर लेंगे तो भी आपका वैल्यू सेम ही रहेगा। सो आपका इन्वेस्टमेंट आपके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, आपका इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर होता है। HUL ने अपना शेयर स्प्लिट किया, इसीलिए वो 2,500 में ट्रेड कर रहा है। इसने अभी तक शेयर को स्प्लिट नहीं किया, अगर इसने भी अगर इसके 10 टुकड़े किए तो वो भी उधर ही आ जाएगा। सो आप इस पॉइंट को माइंड में हमेशा रखिए। तो फिर उसके बैलेंस शीट देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो भी हो रहे हैं। 3,500 बाद में 1,800, 1,900, अभी तो 2,300 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। डेट है कंपनी के ऊपर कोई इतना बड़ा भी डेट नहीं है, और वो भी धीमे धीमे करके कम भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट भी है। सो पहले ये नहीं था, बाद में 3 करोड़, 6 करोड़, अभी 3 करोड़ है। वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए कभी कभार लेती है। आप यहाँ उस कंपनी का कैश देख सकते हैं, 1,600 था, 1,300, 1,700, 700 करोड़, अभी तो 945 करोड़ का कैश बैलेंस है। सो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कैश हमेशा ऐसे बढ़ता ही नहीं जाता है, डिपेंड ऑन उनके इन्वेस्टमेंट है और जो भी उनका एक्सपेंस होता है उसके ऊपर कैश बैलेंस फ्लक्चुएट भी करता है। और इसके करंट इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, 200 करोड़ है। इन्वेंटरीज देखे 1,900 करोड़, ट्रेड रिसीवेबल 190 करोड़, अदर इन्वेस्टमेंट भी इनके 196 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी है। सो एक दमदार स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। सो इस बैलेंस शीट में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद इस कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री भी देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी साल में कितना बार डिविडेंड देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में कंपनी ने तीन बार दिया है। उसके बाद 2021 में भी कंपनी ने
तीन बार डिविडेंड दिया है। सो इस साल कंपनी ने दो बार डिविडेंड ऑलरेडी दिया है, और प्लस कंपनी अपने अपने नेक्स्ट जो क्वार्टरली मीटिंग है उसमें वो और एक डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए एंड कंसिडर करेंगे, तो देखना पड़ेगा, मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। सो उसके बाद इस कंपनी का स्प्लिट हिस्ट्री देख सकते हैं। कंपनी 64 ईयर्स इंडिया में है, लेकिन अभी तक उसका स्प्लिट नहीं किया उन्होंने स्टॉक प्राइस का, तो ये पहली बार इनका स्प्लिट हो रहा है। बोनस भी देख सकते हैं, बोनस भी कंपनी का बहुत पहले देती थी 83, 86, 1989, 1993 में और 1996 में बोनस दिया है। सो उसके बाद कंपनी ने नहीं दिया है, सो मोर देन 25 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं कंपनी ने बोनस भी नहीं दिया है, पहले कंपनी देती थी। सो ये कंपनी क्यों चर्चे में, क्योंकि कंपनी ने अपने रिसेंटली जो अनाउंसमेंट है जो आपको BSE में मिलेगा, BSE की वेबसाइट में, उधर कंपनी ने अपडेट किया है कि वो लोग डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, सो ये डिविडेंड ये लोग डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं अपने अगले जो क्वार्टरली मीटिंग है उस पर। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि वो लोग अपना शेयर स्प्लिट करने के लिए कंसिडर करेंगे, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड सब डिविजन और स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। वो कितने में स्प्लिट करेंगे किसी को नहीं मालूम, एक के बदले 10 शेयर भी दे सकते हैं, या एक के बदले 2 शेयर भी दे सकते हैं, और एक के बदले 5 शेयर भी दे सकते हैं। सो डिपेंड ऑन कंपनी कि वो कौन सा फेस वैल्यू रखना पसंद करते हैं। अगर एक रुपये का फेस वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर कंपनी ने नहीं, मुझे 5 रुपये का फेस वैल्यू रखना है तो एक के बदले 2 मिलेंगे। अगर कंपनी ने बोला नहीं मुझे 2 रुपये का फेस वैल्यू रखना है तो एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे। सो डिपेंड ऑन, टोटली डिपेंड ऑन कंपनी के जो अगला मीटिंग है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कंपनी का मीटिंग कब है, कंपनी का मीटिंग है 19 अक्टूबर। सो 19 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि कंपनी स्प्लिट देगी या नहीं देगी। इंटरिम डिविडेंड तो शायद मिलने का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी पिछले साल का जो हिस्ट्री है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अक्टूबर के टाइम में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। सो अभी भी अक्टूबर ही चल रहा है, सो इस बार भी आप मान के चलो 120 रुपीज़ या इससे थोड़ा ज़्यादा भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो स्प्लिट का मालूम नहीं कौन से रेशियो पे स्प्लिट होगा, आपको मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। सो कंपनी देख सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है ये, 221,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बोला था कंपनी का फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का है, सो उसमें आपको 3 पॉसिबिलिटी बनता है, नहीं तो और एक पॉसिबिलिटी है कंपनी नहीं देगी, वो कैंसिल भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन कंपनीज डिसीजन। सो आपने आप देख सकते हैं ये FMCG कंपनी है, उनका सब डिविजन होता है, एक ही कैरेक्टर में नहीं आता है। HUL तो ऐसे भी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसका इंडस्ट्री थोड़ा दूसरा है, इसका दूसरा है फूड प्रोसेसिंग MNC करके। सो ये ब्रिटानिया के साथ इनका कंपेरिजन कर रहे हैं, सो ब्रिटानिया से भी बहुत बड़ी कंपनी है। सो अराउंड 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, आप देख सकते हैं 2011 में कंपनी 7,500 करोड़ का सेल्स करती थी, अभी बढ़ के 16,000 हो चुका है। वही आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 962 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के अभी 2,300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है। उसी के बाद आप कंपनी का अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 62% कंपनी का प्रमोटर के पास है, जो कि नेस्ले ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, सो उसी के अंडर ये कंपनी आती है, 62% उन्हीं के पास है। उसके बाद FIS का 12% है, DIS का 9% है, पब्लिक ठीक है 15% का दिख रहा है, इतना महंगा स्टॉक होने के बाद भी रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन 15% है, बहुत ही अच्छी बात है। सो और कंपनी का आप स्टॉक प्राइस भी देख सकते हैं, कंपनी अभी आज निफ्टी में गिरावट थी, फिर भी कंपनी हरा पैटर्न दिखा रही थी, मतलब मार्केट को वो जो उनका स्प्लिट का जो न्यूज़ है वो पसंद आया है। सो मार्केट हमेशा जब भी स्प्लिट और बोनस का न्यूज़ आती है तो मार्केट अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड ही करता है, वो बाद में डिपेंड करता है कौन सा रेशियो में वो लोग स्प्लिट करना चाहते हैं। और इस कंपनी आप देख सकते हैं हर 5 साल में पैसा आपका डबल करके देती है, सो ये कंपनी का एक्सपेक्टेशन इतना ही होता है। अगर आपने FD में पैसा रखेगा तो आपको अराउंड 10 साल 15 साल तक आपका पैसा डबल होने में लेता है। अभी आपका इंटरेस्ट रेट हाई है तो इसलिए आपको 10 साल में भी हो सकता है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, वो आपको अगले साल से कम होना शुरू हो जाएंगे,
तब आपका पैसा शायद डबल होने के लिए 12 साल 15 साल लगेगी, उसके बावजूद आपको ये कंपनी 5-6 साल में पैसा डबल करके देती है। सो जब तक 15 साल होते हैं आपको ये पैसा आपको ऑलरेडी तीन बार डबल करके दे चुकी होगी। तो ये FD से बेटर माना जाता है, लेकिन FD बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में अपना अपना रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसको कंसिडर करके आपको इन्वेस्टमेंट का कॉल लेना चाहिए। उसके बाद अब आज का निफ्टी हम देखेंगे। हमारा निफ्टी में तो आज गिरावटी थी 92 पॉइंट का, एक्चुअली ज़्यादा गिरावट थी, दोपहर के बाद थोड़ा रिकवरी आ गया, अराउंड 100 पॉइंट का गिरावट थी, बाद में उसके बाद थोड़ा रिकवरी भी आई है। सो जैसे मैंने आपको बोला था कल डाउ जोन्स भी नीचे था, सो उसी तरह हमारा मार्केट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करके। सो ऐसा ही कुछ हुआ है। निफ्टी एक महीने से आप देख सकते हैं अपने टॉप से अभी ऑलरेडी क्लोज टू 4% का डाउन दिखा रहे हैं, वो भी इंडेक्स के लेवल पर। सो स्टॉक की हालत आप समझ सकते हैं, स्टॉक कौन से इसमें गिरावट हो चुके हैं। सो ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो स्टॉक आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो अगर वैसे वो भी ऐसे करेक्शन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बाइंग करने का विचार कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टडी करके अपना पैसा आप इन्वेस्ट करने का विचार कीजिए। सो आज डाउ जोन्स में देख सकते हैं, डाउ जोन्स भी अभी 11 पॉइंट नीचे है। सो अपने जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उसके आसपास ही है। देखते हैं क्या होता है रात भर, कि ऐसे ही उसको कट करके ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा करके रात भर देखकर पता चल जाएगा। क्रूड ऑयल भी हम देख सकते हैं, क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं अभी 87 तक आ चुका है, थोड़ा कम हुआ है, $87.95 है, रुपीस नहीं है डॉलर है, पर बैरल का प्राइस है। इसका कारण, इसका मेन कारण यही माना जाता है कि ग्लोबल में जो स्लो डाउन चल रहा है, सो उसी के बावजूद इसका प्राइस थोड़ा नीचे जा रहा है। लेकिन आज सऊदी और रशिया ने फिर से अपना ऑयल कट का जो उनका टारगेट है, उन्होंने ये मंथ ये ईयर एंड तक कंटिन्यू करेंगे करके बताया है। सो बावजूद इसमें आपका उसके बावजूद आपके प्राइस में गिरावट आई है, क्योंकि मार्केट मान के चलता है कि ग्लोबल में थोड़ा डिमांड ऑयल का कम होने वाला है, क्योंकि आप सभी देश का इकोनॉमी कुछ उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट्स है, बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो रहा है, सो और कंपनी को पैसा भी नहीं मिल रहा है, कंपनी ग्रो नहीं होंगे, सभी देश का GDP ग्रो नहीं कर रहे, तो अगर वो सब ग्रो नहीं करेंगे तो आपको हमारे इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा तो आपको ऑयल का डिमांड भी ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी। सो ये साथ साथ चलते हैं, अगर इकोनॉमी अच्छा करेगा तो ऑयल का डिमांड भी ज़्यादा रहेगा तो ऑयल का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो जहाँ पर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है तो ऑयल का प्राइस भी नीचे आने का पूरा चांसेस है। सो इसीलिए वो सब एक्सपेक्ट करके मार्केट ने इसके प्राइस में थोड़ा गिरावट आया है। सो देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा रहेगा, अगर ऐसे ही नीचे आता रहेगा तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे जो स्टॉक्स है जो ऑयल केमिकल स्टॉक्स है जैसे कि पेंट इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है ये। सो शायद ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये कौन है, ये जो हमारे HDFC बैंक है उसके पहले CEO थे, उन्होंने 26 ईयर्स इस बैंक में काम किया है और वो CEO के पद में काम करते थे रिसेंटली जब वो रिटायर हो रहे थे, ये मशहूर हस्ती है। सो इनका अभी न्यूज़ आया है कि ये रिटायर्ड होके 2020 में HDFC बैंक से इन्होंने रिटायर किया था, उसके बाद कुछ न्यूज़ नहीं आया था, तो अभी ये जाना जा रहा है कि ये जाके डिलॉइट में ज्वाइन हो रहे हैं एज ए सीनियर एडवाइज़र करके। तो एक बस एक न्यूज़ थी और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये डिलॉइट में जाके अभी ज्वाइन हो रहे हैं। सो उसके बाद अब आज DST ने क्लियर कट बताया है कि आप वो लोग अभी EV या EV के जो बैटरी से उसके ऊपर जो प्रपोजल उनके सामने रखा था कि GST कम करो फ्रॉम 18% टू 5%, GST कमेटी ने बताया कि वो लोग ये प्रपोजल को कंसिडर नहीं करने वाले, स्ट्रेट वे उन्होंने रिजेक्ट किया है। उसके साथ टोबैको का प्रोडक्ट्स का भी उन्होंने सेम प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसको भी उन्होंने सिफारिश मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है, सो उन्होंने रिजेक्ट किया है। सो देखते हैं कल क्या होगा, और जो जो हमारे EV के जो कंपनी से, लेकिन जैसे कि आपके टाटा मोटर्स हो या फिर TVS हो, हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो भी आपको EV के अंदर काम करती है, उनके शेयर प्राइस में आपको कल
हाँ ये मोमेंट देखना पड़ेगा कि कैसा रहेगा। सो मान के चल रहे थे कि इनका जीएसटी कम करेंगे, जीएसटी कम करेंगे तो गाड़ी का प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने सीधा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट किया बोल के कि 28% हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है। सो ये तो अभी भी 18 पर ही है, सो एक रीजनेबल है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और कैसा पैसा अपना ग्रो करें। ओके दोस्तों, कल फिर से ऐसे कोई एक स्टॉक में हम डिस्कस करते हुए देखेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।